दोस्तों, सबसे पहले आपको जो हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली की ऑफिशियल वेबसाइट है उसे ओपन कर लेना है। उस पर आपको इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पर आपको मेनू में ओपन करना होगा केस स्टेटस, जो आपको चेक करना है उसके लिए केस हिस्ट्री पर जाना होगा। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, केस वाइज आपको यहाँ पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों, इस तरह का इंटरफेस आपके सामने ओपन होकर आएगा, जिसमें आपको केस टाइप सेलेक्ट करना है, केस नंबर सेलेक्ट करना है, ईयर ऑफ जो फाइलिंग केस है वो आपको सेलेक्ट करना है। इसके बाद आपको कैप्चा फिलिंग के बाद सबमिट पर क्लिक कर देना है। तो एक बार हम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं, केस टाइप में आपको सेलेक्ट कर लेना है WPC। केस नंबर है 12842, ईयर आपको सेलेक्ट कर लेना है 2018, और इसके बाद आपको कैप्चा फिलिंग 3112। सबमिट पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस दोस्तों निकल कर आएगा। आप देख सकते हैं केस नंबर, यहाँ पर डेट ऑफ जो ईयर ऑफ फाइलिंग है, डेट ऑफ फाइलिंग केस है, सभी कुछ आपको, रियो केस किसके बीच चल रहा है, वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन सोसाइटी एंड ओआरएस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड ANR के बीच ये केस चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट में स्टेटस आप पेंडिंग देख सकते हैं। और नीचे आप देख सकते हैं आपको जो फाइलिंग डिटेल्स और लिस्टिंग डिटेल्स दिखाई दे रही हैं। यहाँ आप जब यहाँ पर लिस्टिंग डिटेल्स पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने सभी जो लिस्टिंग की डिटेल्स हैं वो ओपन होकर आ जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ एक और तारीख अपडेट कर दी गई है। जी हाँ दोस्तों, 16/11/2021 को जो हीयरिंग होनी थी लिस्टेड टू बी कोर्ट नंबर 33, नहीं हो पाई वो हीयरिंग, और आगे की डेट दी गई है 7 जनवरी 2022। जी हाँ दोस्तों, टू बी लिस्टेड इन कोर्ट नंबर 33, ये आगे की तारीख दे दी गई है। दोस्तों, हमारे JCO जवानों के साथ, वन रैंक वन पेंशन में हमारे पूर्व सैनिकों के साथ, हर बार ये सरकार सिर्फ तारीख ही देती है। अब आप देख सकते हैं वो आरोपी की भी आगे तारीख दे दी गई है, और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि 17/9/2021 को तारीख दी गई, 16/11/2021 की। उसके बाद 16/11/2021 को भी सुनवाई नहीं हो पाई है जो दिल्ली हाई कोर्ट में, और जो आगे की तारीख दी गई है 7/1/2022 की दी गई है। दोस्तों, अब 7 जनवरी 2022 को हमारे जो JCO जवान हैं उनके केस की हीयरिंग होगी। जो MSP, इक्वल MSP उनकी मांग है, उनका हक है, उसे लेकर हीयरिंग होनी है। 7/1/2022 तक का इंतजार हमारे JCO जवानों को करना होगा हीयरिंग के लिए, क्योंकि हीयरिंग अब 7/1/2022 को होगी, और उसमें क्या फैसला निकलेगा ये भी हम उम्मीद यही करते हैं कि 7/1/2022 को हीयरिंग जरूर हो, क्योंकि लगातार ऐसे तारीख पर तारीख देने से बिल्कुल भी काम नहीं चलने वाला है। और जो हमारे JCO जवान हैं उनके हक को इस तरह से सरकार नहीं दबा सकती है, और इस प्रकार से ये आगे तारीख पर तारीख देना बिल्कुल गलत बात है। लेकिन जिस प्रकार आप सभी को पता है कि वन रैंक वन पेंशन की लगातार तारीखें दी जाती हैं, और अब इस केस में भी, यानी MSP में भी यही होने लगा है, लगातार केस की जो तारीखें हैं वो दी जा रही हैं। अब आगे इस पर कोई अपडेट आती है तो हम तुरंत आपके साथ जुड़ेंगे और शेयर करेंगे। दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।